Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra will today thank voters of Rae Bareli and Amethi after Congress Party won both the Lok Sabha seats in the recently concluded general elections by defeating BJP candidates Smriti Irani and Dinesh Pratap Singh. The event today will be held on the Bumau Guest House in Rae Bareli, along with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Newly elected Amethi MP Kishori Lal Sharma will also be present in this program. Kanika Katiyar, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Kanika, आज एक मुलाकात की तैयारी हो रही है, इसको एक जश्न भी कहा जा सकता है. कांग्रेस को जिस तरीके से अमेठी में जीत मिली है, रायबरेली में जीत मिली है, स्मृति ईरानी को जायंट किलर माना जाता था और अब किशोरी लाल को द किलर ऑफ अ जायंट किलर कहा जा रहा है, और उसी को लेकर आज ये मुलाकात और ये मीटिंग कहें या फिर कहें एक पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज घोषित की गई है. देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर रायबरेली और अमेठी की जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आज रायबरेली अमेठी गए हैं. हालांकि रायबरेली में प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस पे जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन यानी कि धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे. करीबन 4:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी. और बिल्कुल रायबरेली और अमेठी की जीत के बाद ये पहला कार्यक्रम है जहां गांधी परिवार जो है धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होगा. तमाम जो वर्कर्स जिन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, जिस तरह से एक अग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में होल्ड किया था, उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली और अमेठी गए हुए हैं. इसके अलावा आप जिस जायंट किलर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अमेठी की बात करें तो वहां से अभी तक जो जायंट किलर थी वो स्मृति ईरानी थी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ने एक ऐसा चुनाव दिखाया है, एक ऐसा चुनाव जीता है जिसमें कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को हराकर वो एक सुपर स्टार इस पूरी चुनाव के बन गए हैं. और कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर ये बड़ी जीत है, क्योंकि अमेठी की जीत कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मानती है, क्योंकि लगातार किशोरीलाल शर्मा को लेकर बीजेपी ने तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए थे. और हालांकि अगर मार्जिन की बात करें तो बिल्कुल राहुल गांधी को 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने 2019 में हराया था, लेकिन 2024 में किशोरीलाल शर्मा ने 1,68,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हराया है. उस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए आज सेलिब्रेशन का डे है, और रायबरेली और अमेठी में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है. तमाम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के अलावा तमाम जो लोग हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. 4:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली पहुंच जाएंगे, उसके बाद उस कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी का संबोधन भी होगा. आज राहुल गांधी उस कार्यकर्ता संबोधन में क्या कुछ बोलते हैं वो देखने वाली बात होगी. और बिल्कुल जाहिर तौर पर रायबरेली से राहुल गांधी सांसद है तो पहला कार्यक्रम जो है वो उनका चुनाव जीतने के बाद ये रखा गया है, जिसमें वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद वो क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी. और वो लगातार कार्यकर्ताओं को एक बात कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, तो आज वही अंदाज वही शब्द जो है हमें एक बार फिर राहुल गांधी के मुंह से सुनने को मिलेंगे. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.